गुड आफ्टरनून, मेरा नाम मिता राय। सबसे पहले थैंक्स करेंगे एफएलपी की मैनेजमेंट को, जिन्होंने मुझे आज चुना आज अपना सक्सेस हिस्ट्री सुनाने के लिए। और सबसे ज़्यादा थैंक्स करेंगे नवाज मैम को, जो थैंक्स कि उनके सामने मुझे सुनाने का मौका मिला। उसके बाद अमरजीत उबी सर और मैम साथ में बैठी हुई है, बाकी हम थोड़ा सा नर्वस भी है। जानते क्यों? इतने बड़े बड़े लोग जिनके सामने मुझे आज अपना सक्सेस स्टोरी सुनाना है, लेकिन सुनाने के पहले हम अपना जो पुराना लाइफ उसमें हम जाना चाहेंगे, कहाँ से हम शुरुआत है और आज एफएलपी मुझे क्या दिया है। मेरी जन्म पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव जहाँ पे पहले लाइट भी नहीं हुआ करती थी, वहाँ पे हुआ है। मेरी पापा किसान हैं और जहाँ पे उस गांव से बिलोंग करते, सोच के देखिए बचपन में मैंने देखा लोगों को नंगे पैर चलते हुए, खाली पैर वहाँ पे गांव के लोग चला करते थे, जहाँ पे चप्पल तक नहीं पहनते थे। आज भी मुझे वो दिन याद है जो हमारी फेस्टिवल आ रहा है अभी, दुर्गा पूजा बंगाली के सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। हम लोग बचपन में इंतज़ार करते थे इस फेस्टिवल का, रीज़न क्या था, इस फेस्टिवल में हम लोग को नया कपड़े मिलते थे पहनने के लिए। सोचिए उस गांव से हम बिलोंग करते, लेकिन सपने मेरी बहुत बड़े थे। गांव से जरूर है, सपने बड़े थे हमारी, यह बहुत जल्दी मतलब बचपन में मैरिज हो जाती है। जब हम क्लास 9th में थे तो मेरी शादी हो गई, लेकिन जब शादी हुआ, थैंक्स मुझे बहुत अच्छा हस्बैंड मिला है, इतना अच्छा हस्बैंड कि उनकी पूरी सपोर्ट मुझे हमेशा मिला। वहाँ से जब कानपुर आए, सोचिए गांव की लड़की, गांव से एकदम से कानपुर यूपी में आना, हिंदी जिसको बिल्कुल नहीं आती है, समझ में भी नहीं आती थी, कैसे रहा होगा आके, क्योंकि मुझे कुछ भाषा समझ में नहीं आती थी। लोग बोलते थे, हम चुपचाप रहते थे, क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहे। इसकी बात धीरे धीरे थोड़ा समझ में आने लगा हिंदी। 20 मेरी एक बेटी हुई, बेटी होने की बात मेरी जो ड्रीम था ना, कहा मैं गांव से, गांव की जरूर हूँ, लेकिन ड्रीम बहुत बड़ी थी मेरी। जो पढ़ाई मेरी छूट गई थी, 9th में पढ़ी, उसके बाद 5th ईयर बाद फिर पढ़ाई चालू किया, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन किया। लेकिन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया ब्यूटिशियन की कोर्स भी किया पार्लर का, और सिलाई भी सीखा, क्योंकि मुझे कुछ करना था, कुछ करना था। क्यों? क्योंकि मुझे ये था कि मुझे अगर हम आए यहाँ पे धरती पे तो कुछ करके तो जाना ही है, ऐसे नहीं मरना है मुझे, ये सोच की वजह से काफ़ी चीज़ें किया। लेकिन उससे हम सेटिस्फेक्शन नहीं थे। इस बीच मुझे हेल्थ चैलेंज आया, अल्सर, अल्सर की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम में थी, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में थी कि मेरी ज़िंदगी नरक बन चुकी थी। रीज़न क्या है, सोचिए जब डॉक्टर को दिखाया, कानपुर का सबसे बड़ा डॉक्टर, उन्होंने मेरी पूरा खाना पीना बंद कर चुका था कि अजय डाइट था, उबला हुआ खाना। कि ये लाइफ किसी को अच्छा लगता है? नहीं ना। तो सोच रहे थे कि ये लाइफ से अच्छा तो ख़त्म हो जाना ही बेहतर है, लेकिन कहता ना ऊपर वाले के कुछ मंजूर और ही था, शायद मेरे साथ भी यही है, ऊपर वाले कुछ और मंजूर था। इस बीच मेरी सिस्टर, जिसको हम तय दिल से हमेशा शुक्रिया अदा करते, मेरी सिस्टर की नाम है रत्ना विश्वास, जिन्होंने मुझे बुलाया दिल्ली में। दिल्ली में इस प्रोडक्ट के बारे में मेरे से जानकारी मिली, क्योंकि वो यूज़ करती थी, उन्होंने बताया इस प्रोडक्ट को आप यूज़ करो, इससे आपको जालसा की प्रॉब्लम में आपका रिजल्ट आ सकता है। लेकिन शुरुआत में बिलीव नहीं था, क्या बिलीव होता है किसी को, मुझे भी बिलीव नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने अपने सीनियर को बुलाया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो प्रोडक्ट मैंने लिया, एज ए बेमन से लिया। रीज़न क्या है कि यूज़ करेंगे फ़ायदा होगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे नहीं मालूम था ये जो प्रोडक्ट मेरी लाइफ में आया ना, जो मेरी ड्रीम था, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए ऊपर वाले ने भेजा है रेक्समान जी को, जिनकी जोरदार थे रेक्समान सर। प्रोडक्ट को यूज़ किया, प्रोडक्ट का बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया, विदिन 3 मंथ के अंदर इतनी ज़बरदस्त रिजल्ट कि हमारे आसपास के लोग पूछने लगे, आसपास के लोग कि आपने ऐसे क्या यूज़ किया, इतना चेंजेज आया। तो मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में उनको बताया,
जिसको यूज़ करने से मुझे ये रिजल्ट आया, उन लोगों ने भी मांगा, मैंने मंगा के दिया। देने के बाद ये जो सिलसिला चल रहे थे, ये सिलसिला चलते चलते कहते हैं ना, रेक्समान जी ने सबके लिए दूध भेज के रखा है, मेरे लिए भी रेक्समान जी ने एक दूध भेज के रखा है, जो दूध के रूप में मेरे पास आया, मेरी लाइफ में आया, वो हमारी अपलाइन मिस्टर भूपेश अरोड़ा जी। जब भूपेश सर को देखा कानपुर में कुछ बिजनेस हो रहा है, तो उन्होंने मेरी सिस्टर से बोला कि आप अपनी जीजाजी और दीदी को बोलिए कि इसकी एक बिजनेस प्लान भी है। इसकी पहले यकीन मैंने हमें मालूम भी नहीं था कि इसमें कोई बिजनेस भी है। जब बताया ना, हमने मना कर दिया पहले। जानते क्यों? रीजन क्या था? मेरी हस्बैंड इसकी पहले भी एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर चुका, जिसमें हमें बैड एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से पहले यही था कि जिंदगी में नेटवर्किंग तो करना ही नहीं है। लेकिन थैंक्स हमेशा हम भूपेश सर को इसलिए करते, उन्होंने इस बात को मना नहीं, उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट किया। जब किया है तो उन्होंने जब आने के लिए बोला, तो मुझे एक ही दिमाग में हमारे आए, हम तो कानपुर में रहते, सारा हमारा दिल्ली में है, अगर उनको आने में प्रॉब्लम नहीं, हमें सुनने में क्या दिक्कत है। लेकिन यकीन मानिए, जिस दिन वो आए हमारे घर पर, आज भी मुझे याद है, शाम को 6 बजे आए, आके पूरी प्रेजेंटेशन दिया। जब उन्होंने प्रेजेंटेशन को दिया, पहली बार मुझे बिलीव हुआ उस प्रोडक्ट को डेमो को देख के, रियली में ये प्रोडक्ट इतनी पावरफुल है, अगर मुझे रिजल्ट आया, इंडिया में हर एक शख्स, हर एक आदमी को प्रोडक्ट की जरूरत है। प्रोडक्ट तो देखा, बिजनेस प्लान भी देखा, लेकिन पता है बिजनेस प्लान मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि प्रोडक्ट मुझे रिजल्ट आया था, तो प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा हम देख रहे थे। लेकिन थैंक्स मेरी हस्बैंड को, जिनको मार्केटिंग प्लान समझ में आ गया, उन्होंने रात में मुझे बताया कि इसमें बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है, लेकिन मुझे तब भी बिलीव नहीं था। खैर, उसके बाद चालू किया काम। चालू करते करते हमारे सीनियर बताते थे कि आप आओ ट्रेनिंग लेने, लेकिन हम लोग बहाना बना देते, बहाना बनाते हैं ना हम लोग, हमने भी बहाना बनाया ट्रेनिंग आने के लिए, नहीं ट्रेनिंग नहीं आना है, टाइम नहीं है, हर इंसान बहाना बनाते हैं। क्योंकि कहा जाता है लाइफ में दो ही चीज़ कमा सकते हो, या तो बहाना या तो पैसा, तो बहाना बना देते। उसकी बात ऐसे चल चल सिलसिला चालू हुआ, चलते चलते जब हमारी सीनियर, उन्होंने जब बताया, लेकिन जब समझ में आया कि ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग के लिए हम लोग पहली बार गए लखनऊ, हम और हमारी एक मैनेजर है इस टाइम। सबसे बड़ी यूनिक चीज़ देखिए, जो हमारी मैनेजर है हमारे साथ, जो कदम से कदम बढ़ा के चले थे, हाँ मैं बंगाल की, वो है महाराष्ट्र की, वो भी वहाँ से आए हुआ है, हम भी बाहर से आए, दोनों मिलके गए लखनऊ। लखनऊ जाके जो पहले ट्रेनिंग पंकज गुप्ता जी को देखा, उन्होंने एक चीज़ बताया था कि उनका जो सर्विस का इनकम और फॉरेवर से 1 करोड़ के ऊपर उस टाइम इनकम कर चुका था, तो मुझे आँख कहते ना खुली की खुली रहेगी कि फॉरेवर में इतना इनकम हो सकता है। उसके बाद उन्होंने एक ही चीज़ बताया था वहाँ पर कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी लोग चाहे तो वो भी करोड़पति बन सकता है, लेकिन शर्तें अगर वो चाहता हो तो। मेरे दिल से वो आवाज़ आई है, यस मीता, आप भी यहाँ पे करोड़पति बन सकते हो अगर आप चाहते हो। उस दिन से मेरा शुरू हुई सिलसिला। लेकिन जब आप स्टार्ट करने जाते क्या होता है चैलेंज, मेरी सबसे पहले चैलेंज क्या था, मेरी हिंदी। किसी को समझाने जाए मेरी आधी बात समझ में ही ना आए, मुझे समझाना कुछ और है, उसको समझ में कुछ और आते थे, बहुत ज़्यादा चैलेंज। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत इसने हारी क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, FLP का सिस्टम बहुत पावरफुल सिस्टम है। अगर आप लगे रहो, कहते लगे रहिए, सक्सेस तो आपको होना ही है। एक बार ये भी याद आए, एक बार हम प्लान देने जाने रहते हैं मेरी हस्बैंड के साथ, हमारे पास एक स्कूटी थी पुरानी स्कूटी, उसे प्लान देने जा रहा है दोनों, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मेरे हाथ पैर छिल गए, टूट गए, मतलब काफ़ी बुरी हालत में थे हम। हमारी जो डेमो दिखाने की जो बिटाडिन का शीशी जो था, टेंजर आयोडीन, वो भी टूट चुका था। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, उसकी बात भी हमने जाके प्लान दिया। और जिस घर में प्लान दिया ना, उसकी बात तो मुझे लगा कि अगर ये जो चैलेंज आ रहा है ना, ऊपर वाले मुझे सक्सेस करने के लिए चैलेंज दे रहे हैं हमें।
चैलेंज ऐसे था क्योंकि फॉरवर की हमारी लखनऊ में कोई ऑफिस नहीं था, कानपुर में कोई मीटिंग नहीं होते थे। जब लोगों को हम लोग बताते थे कि हम लोग को चलना है ट्रेनिंग में, हम लोग को ट्रेनिंग के लिए दिल्ली मेरठ आना पड़ता था। जब सब लोगों को बताया जाता था ना, 10 लोग 15 लोग सब कलेक्शन होते थे, एक साथ रिजर्वेशन कराते थे। लेकिन जब मेरठ आने की बारी होता था, दिल्ली आने की बारी होते थे, पता चला हम 3 लोग, हम आए मेरी एक आशा जी और एक रचित चोपड़ा, 3 लोग हम लोग दिल्ली पहुँच रहे और सब कैंसिल। हिम्मत टूट जाते थे कभी कभी, कभी कभी डीमोटिवेट भी होते थे। लेकिन एक बार आशीष जी, मेरा एक सीनियर है आशीष गुप्ता जी, उनकी एक पॉइंट मुझे हमेशा वो बात याद है आज भी। उन्होंने एक चीज़ बोला था, जब महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद करने निकला था, सिंगे लेकेला निकले थे, बाद में करबा बन चुका था। उस बात को जब भी ऐसे महसूस होता, उस बात को फील करते थे, आज हम अकेले जा रहे हैं, आज 2 लोग हमारे साथ जा रहा है, मुझे पता है आने वाला टाइम मेरी पीछे, मेरी नीचे, मेरी टीम में कारवा बन चुका होगा, जो आज बन चुका है। चैलेंज की बात करें, एक बार ये भी हुआ, हम लोग को मेरठ ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। हमारा सीनियर है, उन्होंने ट्रेनिंग के लिए बुलाया, मेरठ में ट्रेनिंग था। लेकिन किसी कारणवश हम लोग को रिजर्वेशन नहीं मिल पाया। बरसात की मौसम, 3 लेडी हम लोग आ रहे थे, रिजर्वेशन नहीं। लेकिन सीनियर ने बोला ट्रेनिंग में आपको आना है, तो आना तो है ही है, इसको तो हम किसी भी हालत में माना नहीं कर सकते। रीजन क्या है, अगर सीनियर हमेशा हमें बोलते थे कि कूद जाओ, तो हम कूद जाते थे, कभी क्वेश्चन नहीं करते थे। मुझे पता है अगर हम कूदेंगे तो नीचे सीनियर खड़े हैं हमें पकड़ने के लिए। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, पहुँचना तो था ही। ये इतनी ज़्यादा रश था उस ट्रेन में, इतनी भीड़ थी संगम में, बरसात की मौसम में, आप सोच सकते हो, स्लीपर में सीट की नीचे जो जमीन है, जमीन में 3 लेडीज एक सीट के पीछे सर रखा, एक सीट के नीचे पैर रख के 3 लेडी हम लोग जर्नी करके मेरठ पहुँचे। सोचिए किस तरह से चैलेंज है हमारी लाइफ में, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। मैनेजर बने, फिर मैनेजर बनने की बात, लाइफ स्टाइल तो सभी का चेंज होता है। मैनेजर जो लेडी हमेशा इंतज़ार करते थे फेस्टिवल का, फेस्टिवल आएंगे नया कपड़े मिलेगा पहनने को। सोचिए जब मेरे मम्मी पापा कपड़े खरीदने जाते थे ना, आज भी वो रंगटे खड़े हो जाते हमारा, हम लोग रोड पे बैठ के इंतज़ार करते थे, मेरा मम्मी पापा हमारे लिए नए कपड़े लेके आ रहे। ये हमारी था उस टाइम की लाइफ स्टाइल। लेकिन आज बात करें कि किसी भी मॉल में जाओ, आप कोई भी कपड़े पसंद आए, टैग नहीं देखते आप, एटीएम कार्ड है काउंटर में दीजिए। मेरी लाइफ में, फैमिली में, हमारी खानदान में, चाहे मायके या ससुराल, कभी भी किसी ने इंटरनेशनल टूर नहीं किया। जब हमारा पहले असाइनमेंट लंदन का चेयरमैन बुनास हुआ, जब मेरी पापा को पता चला, मेरी पापा की आंखों से आंसू निकालाया, क्योंकि बेटी आपने जो करके दिखाया ना, हमारी खानदान में आज तक किसी ने करके नहीं दिखाया। मुझे गर्व है आप पर, मुझे गर्व है कि जब आप ये बात आप पूछिए, जब पता चलता है ना, आपको आंखों में भी आंसू आता है कि मुझे गर्व है कि आप मेरी बेटी हो। गर्व है, मेरी पापा का ये लफ्ज़ था उस टाइम। जब लंदन की टूर मिला, एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा था, इतनी ज़्यादा कि मेरे दिन रात में नींद नहीं आते थे। जो ड्रीम मैंने सोचा था कि जो मेरा ड्रीम था, मुझे आगे सक्सेस होना है, मुझे कुछ लाइफ में करना है। कहते हैं ना, अगर आप जब चाहते हो कुछ भी ना, ऊपर वाला उसी हिसाब से आपका डिज़ाइन करता है। शायद FL भी मेरी लाइफ में इसीलिए आया है। पहले लंदन टूर, उसके बाद फिर आपका ईगल मैनेजर अमेरिका की, उसके बाद आपका सिंगापुर की, फिर मैक्सिको कैनकुन, सारे जगह के जो एक्सपीरियंस है ना, सब जब गए उसकी जो महसूस किया ना, कभी कभी ना मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे कि अगर हम FLP पे नहीं आते, आज भी उस कीड़े मकड़े की ज़िंदगी जी रहे होते। आज भी अगर FLP नहीं आते तो कीड़े मकड़े की ज़िंदगी जी रहे होते, जो लोग मुझे जानता नहीं। लेकिन एक जो सपना था ना, ड्रीम, कहता है कि अगर फॉरवर्ड में आपको आना है ना, तो ड्रीमर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ड्रीमर हो तो फॉरवर्ड में आप सक्सेस हो सकते हो 100%। लेकिन अगर ड्रीमर नहीं है ना, फॉरवर्ड उसके लिए नहीं है।
सोच के देखिए परिवार ने हमें लाइफ में क्या दिया है। जब बच्चे सर्विस करते, बच्चे नौकरी करते, बच्चे माँ बाप को गिफ्ट देते, देता है ना। मेरी बेटी इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन आज मेरी बेटी को मैंने कोलकाता में 46 लाख का एक फ्लैट गिफ्ट किया है। ये परिवार की बदौलत। जो टूटा फूटा स्कूटर में घूमते थे हम, आज परिवार की बदौलत 2 बार कार ले चुके, और कार प्लान ऐसी बार भी है जो पंकज जी ने अभी बताया आपको। रिक्वालीफाई फिर अभी हो चुका है, इस बार मैगजीन में पिक्चर फोटो भी आ जाएगा हमारा। लेकिन सोचिए परिवार क्या नहीं दे सकते आपको। आप जो चाहोगे ना, परिवार आपको हर वो चीज़ जो दे सकते हैं जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में। मेरा ड्रीम है इतिहास रचना, और हम अनाउंस करते ये जो परिवार की लाइफ जो सिस्टम है ना, जो FLP का सिस्टम है, ये FLP की सिस्टम मुझे इतिहास रोशन से रोक नहीं सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसे नहीं है जो इतिहास रचने से रोक सकता है, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम है ट्रेनिंग और FLP का सिस्टम, हर एक इंसान जो चाहता है इतिहास रचना परिवार से 100% रचेगा, अगर वो FLP को पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करेगा। मेरी खून में, मेरी एक एक कहता ना कि एक ही ब्लड, मेरी एक एक खून में बसा हुआ है परिवार, एक एक खून में। शायद जब हम कहते हैं ना धरती को छोड़ेंगे, है ना, उस टाइम भी अगर किसी को याद करेंगे ना तो FLP को याद करेंगे, क्योंकि मुझे पता है क्यों याद करेंगे। क्योंकि हम भले ही धरती पे नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी टीम और परिवार मुझे सदा याद रखेंगे। और यहाँ तक पहुँचाने का जो शरीर जाता है, सबसे पहले हम कभी भी अपनी अपलाइनी को नहीं भूलते, क्योंकि हम क्या थे, एक गांव की लड़की, हिंदी आती नहीं थी, लेकिन उन लोग की बिलीव, हमारी सीनियरों का बिलीव जो हम कुछ कर सकते, अगर उनकी बिलीव नहीं होते तो शायद हम यहाँ तक आज पहुँच भी नहीं पाते। सबसे पहले थैंक्स करेंगे हमारा सीनियर उमेश श्रीवास्तव जी, भूपेश अरोरा जी, आशीष गुप्ता जी, जेके सर जी, और बेदी जी और सुराना जी, जो मेरी से अपलाइन। थैंक्स करना चाहेंगे मेरठ कोर ग्रुप, उनके बिना तो हम बेकार है, सही बात। उनकी जो सिस्टम है, मेरठ कोर ग्रुप का जो सिस्टम है, बाकी हम लाकी है कि आप मेरठ कोर ग्रुप से है। एक एक पल, एक एक पॉइंट, एक एक चीज ऐसे क्लियर करता है, क्योंकि सोच के देखिए ना कि एक हाउस आई अगर यहाँ तक पहुँचा तो कैसे पहुँचा, उनकी सिस्टम की वजह से। जो इन्होंने ट्रेनिंग दिया मुझे, उस ट्रेनिंग को आज FLP की बदौलत। एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे जो भूल गए, जो मेरी हिंदी वीक थी, जो हिंदी जिसको आते नहीं थे, FLP ने मुझे वहाँ से यहाँ तक ला के दिया कि आज FLP के हम ट्रेनर भी हैं। साथ में थैंक्स करना चाहेंगे अमरजीत उबी सर का, बाकी उनकी जब ट्रेनिंग हम अटेंड करते हैं ना, हमेशा जब भी उनकी ट्रेनिंग मुझे मौका मिलता है, हम देखते तो उनकी ट्रेनिंग में जो कल्चर सिखाया जाता है ना, वो कल्चर देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनके अंदर क्या है, एक अच्छा समाज निर्माण करने का। बहुत से कंपनी आए मार्केट में, बहुत से कंपनी है, पैसा कमाने के लिए हो सकता है आपका जरिया बने, लेकिन जो कल्चर परिवार सिखाते हैं ना, ये कल्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। साथ में थैंक्स करना चाहेंगे नवाज मैम का, क्योंकि उनसे बहुत इम्प्रेस है। जानते क्यों, मुझे आज ये लेडी पूरा दुनिया में तहलका मचा रखा है परिवार की माध्यम से। सोचिए कितनी पावरफुल लेडी है, जबकि उनको देखते हैं ना मेरे अंदर एक जुनून पैदा हो जाता है कि लेडीज़ के अंदर, लेडीज़ कुछ भी कर सकता है। दूसरा हम उनको कभी नहीं भूल सकते, निकिता मैम को। जब भी आप मिलते हैं ना निकिता मैम से, बहुत खुश हो जाते हैं, उनके गले लग जाते जाके, जानते कि उनसे मुझे पावर मिलता है। यस मैम इतनी अच्छी तरह से मैनेजमेंट को मेंटेन करते, इतनी अच्छा उनकी मैनेजमेंट है, उसको देख के हम सोचते रह जाते, सोचते कि हम लाकी है कि निकिता मैम भी हम लोग के साथ हैं। बाकी मैनेजमेंट उनकी बहुत पावरफुल है।
साथ में थैंक्स करना चाहते हैं सारे FLP के स्टाफ को, एक एक टाइम एक एक पल आपको ऐसे केयर करते हैं ना जैसे एक बच्चों की तरह आपको केयर करता है। कभी भी किसी कोई भी स्टाफ FLP का आपको नाराज होती हुई नहीं दिखेंगे, दिखता है आपको, हमेशा स्माइल पास करती है आपके, हमेशा हेल्प करने की कोशिश करता है। बिल्कुल ताली बजा रहा था, जोर से बजाइए थोड़ा। साथ में थैंक्स करना चाहते रेक्स मान सर को, जिन्होंने धरती में इतनी बेहतरीन पुड़ाक लेके आया, इतनी अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आया, मेरी हमारी साथ साथ पता नहीं कितनी करोड़ों लोगों का लाइफ को बदल चुका है और आने वाला टाइम कितनी लोगों को लाइफ को बदलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा जो थैंक्स मेरी तहे दिल से हम करते हैं मेरी हस्बैंड को, जिनकी सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था, उन्होंने एक डायरेक्टर का रोल प्ले किया मेरी लाइफ में। उन्होंने हमेशा मुझे उत्साहित किया, हमेशा जब भी जरूरत पड़ा हर जगह पे उन्होंने, क्योंकि जब नौकरी की वजह से वो सामने आ नहीं सकते थे, बिजनेस में इतना टाइम दे नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरा हमेशा हिम्मत बढ़ाया कि कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। उनकी हिम्मत की वजह से भी आज हम यहाँ पे है। और थैंक्स करना चाहते मेरी सक्सेस लाइन, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जो भी आज है हम अपनी सक्सेस लाइन की वजह से है। और सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ हमेशा बताते हैं, अगर आप अपनी सक्सेस लाइन को ना मेरी जो सोच है माँ की तरह प्यार करते, अगर आप माँ की तरह प्यार देते हो आपकी सक्सेस लाइन को ना, कहते ना जो चीज़ आप देते उसका आपका रिटर्न भी आता है ना, तो हमारी टीम भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। हम थैंक्स करना चाहते हैं सारे ऑडियंस को जिन्होंने मुझे इतना ध्यान से सुना, शायद बहुत लोगों को अभी भी मेरी हिंदी में थोड़ा सी दिक्कत लगी होगी, थैंक्स करना चाहते हैं आप लोग बहुत ध्यान से इसको सुना है। थैंक यू।